हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जोन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आज के इस वीडियो में हम इंडिया फॉरेन ट्रेड का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1991 का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम कुछ करंट सिनेरियोज भी डिस्कस कर लेंगे इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। अभी फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है? फॉरेन ट्रेड क्या होता है कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई सामान बिक रहा है या फिर दूसरी कंट्री से एक कंट्री में कोई सामान खरीदा जा रहा है, वो सारी की सारी जो एक्सचेंज होती है उसको हम फॉरेन ट्रेड का पार्ट मान लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सो दिस इज माय इंडिया। अब मान लो सपोज इंडिया से कोई सामान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गया, बिकने गया, कोई भी गुड हो सकता है, कैपिटल हो सकता है या कोई भी सर्विस हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट हमें क्या कमा के देंगे? पैसा कमा के देंगे। और अगर मान लो सपोज यूएस से कोई सामान इंडिया में आया तो उसको हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट्स। अब जब भी इंपोर्ट्स होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ पेमेंट्स करनी पड़ेंगे। तो ये है पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड का सिनेरियो। अब इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड किस किस चीजें पे बेस्ड होता है? तो सबसे पहली बात है जी, इंटरनेशनल ट्रेड होता है स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? बेसिकली क्या होता है कि हर कंट्री के पास हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन नहीं होती। और सिंगल सिंगल कंट्री की बात करूं तो किसी ना किसी कंट्री में कोई ना कोई प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन हो जाती है। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में फार्मास्यूटिकल की बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। साथ साथ अगर और मैं बात करूं, इंडिया में जो ज्वेलरी बनती है उसकी काफी स्पेशलाइजेशन है। तो इंडिया में कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस हैं इन दोनों प्रोडक्ट को लेके, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो चाहे वो ज्वेलरी हो। अब होता क्या है, ऑब्वियस ही बात है, अगर इंडिया में ये चीज की स्पेशलाइजेशन है और जिसकी चीज की भी स्पेशलाइजेशन होगी उस चीज के प्राइस इंडिया में क्या होंगे? कम होंगे। और ऑब्वियस ही बात है, प्राइसेस कम होने का बेनिफिट हम क्या कर सकते हैं? हम इन चीजों को फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको फार्मास्यूटिकल की बात बताऊं तो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल का प्राइस है वो यूएस और यूरोप की मोस्टली कंट्रीज से क्या है? बहुत ज्यादा कम है। तो इंडिया ने स्पेशलाइजेशन का कह रहे हैं कि इंडिया कैन बी वर्ल्ड्स फार्मेसी, तो वो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ही है जो हमें क्या करता है? दूसरी कंट्री से एज पे लेके जाता है। और हम ऑब्वियस ही बात है, हम इन चीजों को क्या करेंगे? इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे। और किस प्राइस पे एक्सपोर्ट करेंगे? डोमेस्टिक प्राइस से ज्यादा। मान लो सपोज कोई मेडिसिन है, पैरासिटामोल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पैरासिटामोल है, मान लो सपोज इंडिया में मिल रहा है 20 रुपए का पत्ता, तो ऑब्वियस ही बात है हम 20 रुपए में थोड़ा बेचेंगे फॉरेन कंट्री में, हम 20 रुपए से ज्यादा में बेचने की कोशिश करेंगे ताकि हम वहां से पैसा भी कमा सके। ऑन द अदर साइड अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट हम वो चीजें करेंगे जिनका प्राइस हमारी डोमेस्टिक प्राइस से, जिन कमोडिटीज का प्राइस हमारी डोमेस्टिक प्राइस से क्या है? कम है। अगर हम एग्जाम्पल लें, मैं मोबाइल फोन की बात करता हूं, तो मोबाइल फोन मान लो सपोज इंडिया में क्या है? 15,000 रुपए का बन रहा है एक नॉर्मल मोबाइल फोन, और वही मोबाइल फोन मान लो सपोज चाइना से आ रहा है 12,000 रुपए का। तो ऑब्वियस ही बात है चाइना से वो फोन को इंपोर्ट किया जाएगा, चाहे जितना मर्जी नेशनलिज्म की बात आ जाए, बट जहां पे अगर हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की बात करें, जहां पे भी हम देखें कि हमें चीज सस्ती मिल रही है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमें इन्वेस्टमेंट की काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जब भी हम एक कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो ट्रेड रिलेशंस होते हैं बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हैं, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं और हम अपना क्या कर सकते हैं? इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाया तो हमारा जीडीपी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, अगर मान लो इंडिया में काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं वो अपनी चीजें बेच रहे हैं और इंडिया की मार्केट में उन्हें पोटेंशियल लग रहा है, तो इंडिया में आके वो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। टेक एन एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली टेस्ला ने इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री बन रहा है। तो वो किस वजह से पॉसिबल है? वो एक इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से पॉसिबल है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो ही ना तो ये सारी चीजें जो होगी पॉसिबल ही नहीं होंगी। तो अब देखते हैं कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो था, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। हम अगर इसको 3 पॉइंट में समअप करूं तो 3 पॉइंट बनेंगे इसके, वॉल्यूम, कॉम्पोजिशन और तीसरा पॉइंट बन जाएगा इसका डायरेक्शन। तो वॉल्यूम क्या था? बेसिकली वॉल्यूम वॉज वेरी मॉडरेट। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे, बिकॉज आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय करने का क्या कारण था? वो था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी।
डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे उन पर ज्यादा टैक्स लगा रहे थे और अपने जो फाइनल गुड्स थे उन पर कम टैक्स लगा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है खत्म हो गया और हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, मॉडरेट हो गया, मतलब नॉर्मलाइज हो गया, इतना ज्यादा नहीं था। स्टिल आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारा जो ट्रेड था वो फेवर में था, मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो हमारे इम्पोर्ट से क्या थे, ज्यादा थे, मतलब हम पैसा जो थे कमा रहे थे। बट क्या वो पैसा हमारी कंट्री के लिए यूज हो रहा था, वो आपको भी पता है, हम पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। वो पैसा ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और दूसरी जो उनकी कॉलोनीज थी अगर उनपे वॉर होती थी तो वॉर में यूज करने के लिए करते थे। तो इंडिया का पैसा इंडिया से लेके जा रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, अपने फायदे के लिए वो सारी चीजें यूज कर रहे थे। कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन क्या था, अगर इंडिया से कोई गुड्स जा रहे थे वो कौन से गुड्स थे, इंडिया से बेसिकली रॉ मटेरियल जा रहे थे। कहां पे जा रहे थे, अगर मैं बात करूं मोस्टली जो ट्रेड था हमारा ऑलमोस्ट 50% के अराउंड हमारा ट्रेड यूके के साथ था, रॉ मटेरियल जा रहे थे। दैट मीन ये शो कर रहा था कि जो हमारा कॉम्पोजिशन था वो काफी बैकवर्ड हो चुका था। पहले हम हैंडीक्राफ्ट के एक्सपर्ट थे बट हैंडीक्राफ्ट सेक्टर खत्म करने के बाद हमें सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना के रख दिया और जो हमारी चीजें इंपोर्ट हो रही थी वो इंपोर्ट क्या हो रही थी, फिनिश गुड्स। ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बनते थे और इंडिया में क्या करते थे, वो बिकते थे, मतलब रॉ मटेरियल भी सस्ते रेट्स पे यहाँ से ले जाना और फाइनली जो फिनिश गुड्स थे वो भी कहां से ले आने, यूके से इंडिया में आके बेच देने। तो दिस वॉज द कॉम्पोजिशन। फिर अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन वॉज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज हाफ ऑफ आवर फॉरन ट्रेड वॉज विद ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से हमारा जो मोस्टली ट्रेड था उन्हीं के साथ था, तो एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी ट्रेड पे। अब इंडिपेंडेंस के बाद की बात करूं तो इंडिपेंडेंस के बाद अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज हो गए। एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ और इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट का नंबर भी है काफी ज्यादा बढ़ गया, इंपोर्ट का नंबर भी काफी ज्यादा बढ़ गया। बट एक चीज हुई इंडिपेंडेंस के बाद कि हमारे जब इंपोर्ट्स है अब क्या हुआ, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो गए। मान लो सपोज इंपोर्ट हम कर रहे हैं $150 का सपोज कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम $100 का, इसका मतलब हमें $50 जो है वो एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं टू फुलफिल अवर वॉन्ट्स। हमारी जो डिमांड्स है, हमारी जो नीड्स है, उनको फुलफिल करने के लिए हमें इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है। आप इस फिगर में भी देख लो, जो एक्सपोर्ट है वो कम है, जो इंपोर्ट है वो क्या है, ज्यादा है। और जितना ज्यादा इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी होगी उतना ज्यादा हमारे कंट्री क्या होगा। उसके बाद अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की बात करें तो वी आर हैविंग अ डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट था उसमें डिक्लाइन हो गया। देखिए एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के डिक्लाइन होने के दो कारण थे, पहली बात तो हमारा जो पॉपुलेशन था वो काफी इंक्रीज हो रहा था और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हो गया। साथ ही साथ हमारी कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो डेवलप होनी शुरू होगी। अब ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्रीज को भी क्या चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चाहिए उनके रॉ मटेरियल के लिए, तो जिस वजह से हमारा जो शेयर था एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। उसके बाद डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ सो दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, यहां पे आएगा आपका कन्वेंशनल गुड्स। बेसिकली इंडिया पहले जूट कॉटन वगैरह ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता था, बट क्योंकि प्लानिंग के बाद इंडिया में लोगों का इनकम बढ़ना शुरू हो गया, अब इंडिया में जो इसकी डोमेस्टिक डिमांड थी वो इंक्रीज होनी शुरू होगी। तो ये जो सारी कन्वेंशनल आइटम्स थी, जूट वगैरह, देन स्पाइसेस वगैरह, इतनी ज्यादा जो थी उसमें शेयर में डिक्लाइन हो गया इनके एक्सपोर्ट्स में। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनके जो एक्सपोर्ट का उनका जो शेयर है, कॉम्पोजिशन है फॉरेन ट्रेड में, वो इंक्रीज हो गया। जैसे कुछ मशीनरी होगी, जेम्स एंड ज्वेलरी होगी, ये सारी चीजों का जो एक्सपोर्ट है हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। दैट मीन इससे हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि अब प्लानिंग के बाद आफ्टर 1950 प्लानिंग के बाद जो इंडिया का पहले कंडीशन था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, अब उससे हमारा जो कंडीशन है वो काफी हद तक क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। अगर मैं टॉप 5 एक्सपोर्ट्स की बात करूं इंडिया के तो पहले नंबर पे आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेसिकली ये होते हैं पेट्रोल, डीजल। अब आप डिफरेंस समझिए, देखिए हम क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल, और इन क्रूड ऑयल की हेल्प से हमें क्या बनाना पड़ता है, पेट्रोल और डीजल, और इस पेट्रोल और डीजल को हम क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल्स, तो ये हमारी जो हम फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं ये भी हमारा काफी मेजर एक्सपोर्ट है। देन है पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरीज वगैरह में आ जाते हैं। उसके बाद आयरन एंड स्टील को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
और पांचवें नंबर पे हमारा इलेक्ट्रिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ये हमारे टॉप फाइव एक्सपोर्ट है। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो टॉप फाइव इंपोर्ट हमारे कौन से हैं, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल जिसके हल से पेट्रोल डीजल और भी काफी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे लुब्रिकेंट वगैरह वैक्स वगैरह हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब देखिए आप सोचोगे कि एक्सपोर्ट भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं और इंपोर्ट भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कर रहे हैं तो इसमें कुछ लुब्रिकेंट्स जैसे यूज हो सकते हैं तो उनका हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। गोल्ड, रॉ गोल्ड का हम इंपोर्ट करते हैं, रॉ गोल्ड की हेल्प से ज्वेलरी बनाते हैं, ज्वेलरी का क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट और कोल, कोक एंड ब्रिक्विटेज। सो बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया में भी तो कोल काफी है बट स्टिल हमें क्या करना पड़ता है, कोल फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज इंडिया का जो कोल का क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज कोल क्वालिटी। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन में क्या है, टॉप फाइव एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, ये आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में भी पूछा जा सकता है तो इसलिए इसको नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में, चाइना में, उसके बाद यूएई, फिर हांगकांग और देन सिंगापुर। और टॉप फाइव इंपोर्ट हम जिन जिन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं वो है चाइना, यूएसए, यूएई, हांगकांग एंड सऊदी अरेबिया। आप एक चीज देखो, चार कंट्रीज हमारी टॉप फोर है वो क्या कॉमन है, तो थ्री और फोर पे तो यूएई और हांगकांग ही है और चाइना और यूएस क्या कर रही है अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रही है, फिफ्थ पे सिंगापुर, यहाँ पे है सऊदी अरेबिया। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है दैट मीन पहले आप देखो, पहले हमारा जो मोस्टली ट्रेड था वो किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ था, 50% ट्रेड हमारा ब्रिटेन के पास था। मतलब अब हमारी जो ट्रेड की है डायरेक्शन वो क्या होगी, डाइवर्सिफाई होगी, अलग अलग कंट्रीज के साथ हम ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक वो स्ट्रेटेजी है जिसमें हम एनकरेज करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच हैज बीन इंपोर्टेड बाय द कंट्रीज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो जो गुड्स है जो हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस से मोबाइल फोन की बात करें, तो मोबाइल फोन मान लो इंडिया में नहीं बनते, ओके? अब हमने क्या करना है, वो मोबाइल फोन इंडिया में ही प्रोड्यूस करना है। मतलब इसको क्या कहेंगे, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी कहेंगे। जो चीज हमें फॉरेन कंट्री से मिलती है हम उसको इंपोर्ट कर रहे थे पैसा बचाने के लिए, आपने अब क्या करना है उन चीजों की प्रोडक्शन इंडिया में करनी है। मतलब चाहे नालायक से नालायक सेक्टर भी हो आपने क्या करना है, आपने किसी चीज को इंपोर्ट नहीं करना, आपने इंडिया में कोशिश करनी है उस चीज को बनाने की। अब ये पॉलिसी क्यों परसुएड की गई, बिकॉज देखिए पहली बात तो इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व था वो कम था। सिंपल सी बात है ना, अगर किसी भी कंट्री से कोई सामान परचेज करना है तो उनको उनकी करेंसी में पे करना पड़ेगा, दैट मीन फॉरेन रिजर्व में पे करना पड़ेगा, और फॉरेन करेंसी में अगर पे करना है तो फॉरेन करेंसी होनी भी चाहिए। और इंडिया में फॉरेन करेंसी की जो अवेलेबिलिटी थी वो क्या थी, बहुत कम थी। और अवेलेबिलिटी को हम यूज किस तरीके से करना चाहते थे, हम यूज करना चाहते थे कि कुछ कैपिटल जो गुड्स है, जो मेजर मेजर मशीनरी है, कुछ जो टेक्नोलॉजी है वो हम इम्पोर्ट करें, रेदर देन ये जो कंज्यूमरेबल आइटम्स है इनको इम्पोर्ट करना बंद कर दें ताकि हमारा जो पैसा है वो बचे और पैसा ढंग के काम में लगे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कि अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या होगी, डेवलप होगी, हमें फॉरेन कंपटीशन में नहीं जाना पड़ेगा, और जिससे क्या होगा हमारी जो कंट्री होगी, हमारी कंट्री की जो इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। अब प्रोटेक्शन जो है वो दो तरह से प्रोवाइड किया जा रहा था, वो कौन से तरीके थे चलिए देखते हैं। तो पहला प्रोटेक्शन था टैरिफ। अब टैरिफ क्या होता है, अब समझिए, दिस इज इंडिया एंड दिस इज यूके। अब मान लो सपोज इंडिया से कोई चीज यूके में जा रही है, लेट अस एक कार जा रही है, ओके? तो मान लो सपोज वो कार जो है इंडिया से बिक रही है, हम इसको रुपी डिनोमिनेशन में कर रहे हैं, बस आप एक चीज को समझने की कोशिश करना। मान लो इस कार का प्राइस है 10 लाख रुपीज, ठीक है? यूके में ये कार को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यूके की कार मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अब बोरिस जॉनसन को ये बात पता लग गई, बोरिस जॉनसन कहता है कि ऐसे तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इंग्लैंड की, मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इसको बचाने के लिए, इंग्लैंड की इंडस्ट्री को बचाने के लिए बोरिस जॉनसन क्या करेगा कि मान लो सपोज इस गाड़ी पे 20% टैक्स लगा दिया। अब जो 10 लाख की कार थी अब यूके में जाके कितने की बिकेगी, 12 लाख रुपए की बिकेगी, 2 लाख रुपए क्या होगी, ये महंगी होगी। और ऑब्वियस ही बात है ना कि जब प्राइस महंगा होगा तो लोगों की डिमांड कहीं ना कहीं तो कम होगी जाके, जिससे क्या होगा उसकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट वे जिसकी वजह से क्या होता है कि एक कंट्री अपनी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज होती है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
दूसरा तरीका है कोटा रिस्ट्रिक्शन। अब कोटा रिस्ट्रिक्शन को भी समझते हैं। अब इंडिया में से यूके में फिर से मान लो सपोज गाड़ी क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया से गाड़ी बिकने जा रही है यूके में। अब दिक्कत क्या हुई, फिर से वही बात है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो सफर कर रही है। बोरिस जॉनसन को ये बात ठीक नहीं लगी। बोरिस जॉनसन ने एक सर्कुलर निकाला और एक इंफॉर्मेशन दिया कि अब इंडिया से सिर्फ 100 कार बिक सकती हैं यूके में, इससे ज्यादा कोई भी कार नहीं बिकेगी। मतलब कि अगर मान लो सपोज इंडिया की 101 भी कार, मतलब 100 तो बिक गई है और एक और कार आती है तो उस कार को वापस इंडिया में भेज दिया जाएगा। अब ये किसी किस्म का टैरिफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टैक्स तो नहीं लगाया, रेट तो नहीं बढ़ा, बट इन्होंने क्या लगा दिया, कोटा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। कोटा रिस्ट्रिक्शन लगने से क्या होगा कि इंडिया की जो सेल है वो यूके में कम हो जाएगी, क्योंकि अब यूके के लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा, तो उनको वहीं की जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड कार होगी वो परचेज करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट फिर देखते हैं। अब आप समझ सकते हो कि किस तरह से जो प्रोटेक्शन है वो इंडिया भी प्रोवाइड करता था। ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं प्रोवाइड करता था, इंडिया भी इस तरह के प्रोटेक्शन जो थे प्रोवाइड करता था। अब देखते हैं कि गुड इंपैक्ट क्या हुए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी के। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी हमारी, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर कहाँ जाने लग गए, इंडस्ट्री में जाने लग गए, जो कि बहुत अच्छी चीज थी। नाउ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, अगर मैं इस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो काफी ज्यादा नई इंडस्ट्रीज जो थी वो डेवलप हुई। पर्टिकुलरली हम बात करें सनराइज इंडस्ट्री की, जो सनराइज इंडस्ट्रीज थी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, उसका काफी हद तक क्या हुआ, काफी हद तक डेवलपमेंट हुआ। अगर इंडिया उस टाइम पे प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता, कहते हैं कि उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उनके लिए प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट 400% का टैरिफ जो था वो दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट पे लगा देते थे। मतलब इतना ज्यादा हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को डेवलप करना चाहते थे, और इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है ना, आप एक चीज समझिए, किसी भी कंट्री का कोई मिडिल क्लास होगा जब वो राइज करेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को परचेज करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टीवी परचेज करेगा, रेफ्रिजरेटर परचेज करेगा, मोबाइल फोन परचेज करेगा, कंप्यूटर परचेज करेगा, देन माइक्रोवेव परचेज करेगा, मतलब बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो परचेज करेगा। तो इसका डेवलपमेंट, इसका प्रोटेक्शन करना जरूरी था उस टाइम पे। और भी काफी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हुई। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी अपनाई गई तो उस टाइम पे जो हमारे लेटेंट रिसोर्सेज थे, लेटेंट रिसोर्सेज मतलब जो भी खाली रिसोर्सेज थे उनको क्या किया गया, यूटिलाइजेशन में लाया गया, जो आइडल बैठे हुए थे। ऑब्वियस है ना, जब इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया उससे, फिर और फिर क्या होगा, इनकम होगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है ना, हमारा जो जीडीपी होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी वो गुड इंपैक्ट में आती थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी के। और अगर इसके हम कुछ बैड इंपैक्ट की बात करें तो ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, आपको पता होगा कि टेलीकम्युनिकेशन जो था, टेलीकम्युनिकेशन 1990 तक गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। अगर आपने फोन का कनेक्शन लेना पड़ता था तो उसको महीनों लग जाते थे। आज अगर मान लो आपने कोई फोन का कनेक्शन लेना, आपने कोई सिम कार्ड परचेज करना, आप सिम कार्ड परचेज करके और साथ ही साथ वो सिम कार्ड जो होती है एक्टिव हो जाती है। बट आप एक चीज समझो, अगर मोनोपोली होगी, अगर सिर्फ पूरा का पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो वो इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगा। देन देयर वाज लैक ऑफ कंपटीशन एंड व्हिच लीड टू मॉडर्नाइजेशन, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, तो कंपटीशन वाज नॉट दैट मच। इंडिया में दो कार होती थी, फिएट और एम्बेसडर, लोगों को वही पसंद थी क्योंकि उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था। और कंपटीशन ना होने की वजह से जो मॉडर्नाइजेशन वाला एस्पेक्ट है इंडिया में क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था। आपको याद होगा अगर 1991 के बाद जो मारुति सुजुकी ने अपनी कार निकाली थी, आई गेस मारुति सुजुकी 800, तो 800 ने इनकी मार्केट क्या कर दी थी, खत्म कर दी थी। तो मतलब जितना ज्यादा कंपटीशन आएगा उतना ज्यादा हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम्स क्यों होते हैं, बिकॉज वो शो करने के लिए कि हाँ ठीक है आप अपनी जगह पे जहां भी हो जितने भी अच्छे हो, बट अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कम्पीट कर रहे हो देन वेयर वी आर स्टैंडिंग, तो वो कॉम्पिटिशन जो वाला फैक्टर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद इंडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। अब आप एक चीज सोचो, सरकार क्या क्या काम कर रही थी, सरकार कर रही थी ब्रेड बनाने का काम, सरकार कर रही थी शूज बनाने का काम, तो एक ना मॉडर्न की ब्रेड आती थी, बहुत पुराने टाइम की बात है, तो मॉडर्न की ब्रेड कौन प्रोड्यूस करता था, गवर्नमेंट। अब आप एक चीज सोचिए, गवर्नमेंट शूज बना रही है, गवर्नमेंट ब्रेड बना रही है, गवर्नमेंट बटर बना रही है, ऐसे काम जो गवर्नमेंट को करने नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को माना कि गवर्नमेंट कमांडिंग हाइट्स में काम कर ले, कमांडिंग हाइट्स का मतलब है गवर्नमेंट डिफेंस में जाए, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन में जाए,
गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में जाए, बट ब्रेड बनाने का काम, शूज बनाने का काम, ये सारे काम गवर्नमेंट को नहीं करने चाहिए, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर को दे देने चाहिए थे। और जो हमारे स्टेट एंटरप्राइजेस थे वो पॉलिटिकल कंपल्शन बन चुके थे। देखिए यहाँ पे ना एक जिसको कहते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए काफी ऐसी चीजें इंडिया में हुई हैं जिसका नुकसान एट द एंड इंडिया की इकोनॉमी को फेस करना पड़ा, जिसको कहते हैं ना पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम, जो मतलब पॉलिटिक्स की वजह से आप लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज को भी बार बार क्या कर रहे हो, सब्सिडी देकर चला रहे हो, एक पॉलिटिकल कंपल्शन बनाई हुई है। अब इससे ऑब्वियसली बात है ना, यार स्टेट कब तक सब्सिडी देगी? सब्सिडी देगी तो बर्डन तो होगा ना सरकार का, जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ेगा। कब तक आप एक जो इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइजेस उनको चलाते रहोगे? ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में इकोनॉमिकली अनवायबल जो एंटरप्राइजेस है वो नहीं होती, वो होती है तो वो बेच देते हैं साथ के साथ ही। कई तो गवर्नमेंट ने भी पहले परचेज की थी, इनको नेशनलाइज कर दिया था, जैसे कई बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज किया था, कई कंपनीज जो थी नेशनलाइज की थी। बट अगर स्टेट एंटरप्राइजेस जिस लॉस में जाने लग जाए तो स्टेट एंटरप्राइजेस को पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से चलाना जो था वो बहुत ही ज्यादा एक बैड इंपैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे। और साथ ही साथ हमारी जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी जिसका हमने सोचा था कि हाँ 7-5 ईयर प्लान तक हम अच्छे से इस पॉलिसी को चलाएंगे, वो एक फेलियर ही हुई। और एक्सपोर्ट प्रमोशन अगर हम एक्सपोर्ट प्रमोशन करते जो कि हमें 1990s के बाद समझ आने लग गया कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी इज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल, हमें एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट का प्रमोशन करने से हमारे पास क्या आएंगे, डॉलर आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व आएंगे। चाइना का भी एग्जाम्पल देख लो, चाइना भी अपनी कंट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बना के क्या कर चुका है, इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है। सो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, हमारे सीबीएसई के अकॉर्डिंगली इतना ही जो था टॉपिक था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर बजा दीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो साथ साथ मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।